नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र वसुंधरा गाजियाबाद से आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आइए आज मैं क्या करता हूँ वो आपके बारे में दिखाता हूँ। ये आप जगह पहचान गए होंगे, ये वही जगह है जहाँ मैंने पिछले वीडियो में फेंसिंग की थी। तो जब मैं फेंसिंग कर रहा था तो मेरे पास एक दंपत्ति आए थे, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे एक जामुन का पेड़ उग गया है, उसको आप कहीं और शिफ्ट कर दो क्योंकि वहाँ पे वो टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा। वो कह रहे थे कि हम जामुन गांव से लाए थे, उस पर बहुत काफ़ी बड़े बड़े जामुन आते हैं। तो आइए उसी को शिफ्टिंग का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। और उन वैसे वो ये काम वो दोनों भी कर सकते थे लेकिन उनको मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास था। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये देखिए ये वाला पेड़ है जिसे मैं शिफ्ट करूंगा, ये वाला भी है और इधर भी है, ये दोनों को मैं शिफ्ट करूंगा। पहले इनको अच्छी तरह से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने निकाल लिया है और अब इसको जो है शिफ्ट करते हैं। अब मैं आपको जामुन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। जामुन का पेड़ काफ़ी हरा भरा होता है और इसकी छाया बहुत घनी होती है। आम और जामुन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे जामुन एक सदाबहार पेड़ होता है, इसके फल बैंगनी रंग के होते हैं। इस पेड़ पे 30-35 साल तक फल लगते हैं। इसकी आयु करीब 50-60 साल तक होती है, कई बार यह 100 साल तक भी जीवित रह सकता है। मार्च से अप्रैल तक जामुन के पेड़ पर छोटे छोटे पीले रंग के फूल आते हैं और जून जुलाई आते आते तक वो फल का रूप धारण कर लेते हैं। जामुन स्वास्थ्य के लिए भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, यह डायबिटीज पेशेंट के लिए रामबाण होता है। इसका सिरका, रस, चूर्ण आदि उपयोग में ला सकते हैं, ये डायबिटीज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इस छोटी सी वीडियो से आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। तो आइए देखिए इसकी छोटी सी वीडियो। जामुन विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, ग्लूकोज, आयरन, पोटेशियम आदि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स से भरा हुआ है। जामुन के बहुत सारे फायदे होते हैं तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाना। जामुन में आयरन और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह फल शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाकर मासिक चक्र में दिखाई देने वाले समस्या को दूर करता है। नंबर 2, डायबिटीज या मधुमेह वाले मरीजों के लिए अच्छा साबित होना। जामुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो इसे एक डायबिटिक फ्रेंडली फल बनाता है। एंटी डायबिटीज गुणों से भरपूर होने के कारण यह शर्करा के स्तर को 30% घटा सकता है। और भी यह डायबिटीज में दिखाई देने वाले कुछ लक्षण जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना आदि को भी बहुत हद तक कम कर सकता है। नंबर 3, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। जामुन प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाकर सर्दी, जुकाम और खांसी आदि को शरीर से दूर रखता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नंबर 4, त्वचा को स्वस्थ रखना। जामुन एक ब्लड प्योरीफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। खून साफ होने के कारण त्वचा में मुहासे नहीं आते हैं। और भी इसमें विटामिन सी और दूसरे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नंबर 5, पाचन तंत्र के विकारों को ठीक करना। जामुन का रस पाचन तंत्र में होने वाले विकार जैसे कि दस्त, पेचिस, अपच आदि को ठीक कर सकता है। नंबर 6, दिल को स्वस्थ रखना। अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको जामुन जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके दिल को स्वस्थ रखकर दिल में होने वाली बीमारी को दूर रखता है। नंबर 7, वजन घटाने में मदद करना। जामुन में मध्यम मात्रा में कैलोरीज होते हैं और भी इसमें फाइबर भी होते हैं जो वजन घटाने में मदद करते हैं।
आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स बन सकता है। मेरी छोटी बिटिया मेरे हर कार्य में बहुत साथ देती है। ये हर चीज़ में लगी रहती है मेरे साथ और मेरा हौसला बढ़ाती रहती है। मैं भी अपने बच्चों को प्राकृतिक प्रेमी बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अभी फरवरी का मध्य चल रहा है, लेकिन गर्मी अपना असर अभी से दिखाने लगी है। अब खाली सुबह शाम की ठंड रह गई है। अब दिन में काफ़ी तेज धूप होती है, इसलिए पौधों की देखभाल मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए, अब मैंने ये पौधा लगा दिया है और हम सब बारी बारी से इसमें पानी देंगे। वैसे मैं गर्मियों में हर दूसरे तीसरे दिन पौधों में पानी देता रहता हूँ। मैं सुबह आधा एक घंटा इन पौधों के लिए रोज़ निकाल लेता हूँ, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अब साथ के साथ इस वाले पौधे में भी पानी लगा देते हैं हम, क्योंकि अब गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं तो इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इस पे जो है नए नए पत्ते आने लगे हैं और साथ में इस वाले पौधे में भी पानी लगा देते हैं। फेंसिंग तो हो ही रखी है इनकी, इनका गाय आवारा पशुओं से बचाव तो होता ही रहेगा और इनमें पानी भी लगती रहेगी। अब मैंने पानी भी लगा दिया, पौधा भी लगा दिया। आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें, जिससे वो मुझसे प्रेरित होकर या मेरे काम से प्रेरित होकर पेड़ पौधों से प्यार करें और पेड़ पौधों को लगाएं और उनको बचाएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।